Hi students, so we all have done the basics before this. I hope that you have watched these lectures and now we are going to be doing a revision of leverage. Aaj hum log to leverage ka revision wo karne wale hain. One of the very easy chapters which is there. Exams ke andar aata hai, sure short marks that you are going to be getting. All these notes that I use, we post them on our group also, the link of which that you all can be getting below in the description. So let's start away with recap of leverage. Now, leverage in dictionary meaning, it means power or influence. For us, it means risk. Okay, and risk arises due to presence of fixed cost. Har ek business ke na yaad rakhna, fixed cost hota hi hai, whether you want or you don't want. और उसकी वजह से रिस्क आ जाता है. क्यों रिस्क आ जाता है? क्योंकि अगर फिक्स्ड कॉस्ट है, आप लोग को पैसा कमाना पड़ेगा. अगर आप लोग पैसा कमाओ तो फिक्स्ड कॉस्ट दोगे, लेकिन नहीं भी कमाओ तो भी आप लोग को फिक्स्ड कॉस्ट तो देना पड़ेगा. सो इन एनी केस रिस्क विल बी देयर फॉर श्योर. वी ऑलवेज से दैट फिक्स्ड कॉस्ट आर डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स. फिक्स कॉस्ट, यू हैव योर ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट, जो आपके नॉर्मल बिजनेस के अंदर वो आता रहता है. एग्जाम्पल, आपकी फैक्ट्री होगा, आपका ऑफिस होगा, उनका रेंटल्स हो गया, जो लोग होंगे, जो ऑफिस के लोग होंगे, जो फैक्ट्री मैनेजर, उनका सैलरीज वगैरह, कोई भी कॉस्ट फिक्स कॉस्ट है. समथिंग लाइक डेप्रिसिएशन ऑल्सो, चाहे वो नॉन कैश है बेटा, लेकिन वो फिक्स कॉस्ट तो है. अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव योर फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट, विच बेसिकली अराइजेज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ योर कैपिटल स्ट्रक्चर. आपके कैपिटल स्ट्रक्चर की वजह से फिक्स कॉस्ट कब आ सकता है? व्हेन देयर इज डेट एंड व्हेन एवर देयर आर प्रेफरेंस शेयर्स. ठीक है, सो इन दिस केस दैट इज वॉट वी आर गोइंग टू बी सीइंग ओवर हियर. इसकी वजह से, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट की वजह से जो रिस्क आता है, आप लोग उसको ऑपरेटिंग रिस्क या बिजनेस रिस्क बोलते हैं, और उसकी वजह से जो लेवरेज आएगा दैट विल बी कॉल्ड एज ऑपरेटिंग लेवरेज. ठीक है, फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से जो रिस्क आता है हम लोग उसको फाइनेंशियल रिस्क बोलते हैं, और जो लेवरेज उसको मेजर करता है दैट विल बी कॉल्ड एज फाइनेंशियल लेवरेज. ओके, ओवरऑल लेवरेज का एक ही फॉर्मूला है बेस्ड अपॉन विच ICAI डिराइव्ड एवरी अदर फॉर्मूला, एंड दैट इज leverage is defined as percentage change in dependent variable divided by percentage change in independent variable. Independent variable वो होता है जिसको dependent variable से फर्क नहीं पड़ता, और dependent variable is affected by independent variable. Okay, now example, अगर stock exchange ऊपर नीचे जाता है, छोटी मोटी companies का shares खुद ब खुद ऊपर नीचे वो चला जाता है, so therefore stock market is independent variable एंड स्मॉल लिटिल कंपनीज दे आर डिपेंडेंट वेरिएबल. इसी को अगर एक और हिसाब से वो बोलूं तो अपने पूरे कंट्री का इकोनॉमी, ओके, इट माइट बी इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एंड स्टॉक एक्सचेंज इन दैट रिस्पेक्ट विल बिकम डिपेंडेंट वेरिएबल. अगर इकोनॉमी अच्छा जाता है तो स्टॉक एक्सचेंज ऑटोमेटिकली इन लॉन्ग रन अच्छा ही जाता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ. ठीक है, सब कुछ ना एक इनकम स्टेटमेंट के थ्रू बोलने का ट्राई करता हूं. ठीक है, इस इनकम स्टेटमेंट के लिए मैंने अज्यूम किया है कि सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट 10 रुपीज है, वेरिएबल कॉस्ट 5 है, फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो कुछ ना कुछ है, वो कितना है दैट आई विल टेल यू इन द टेबल. ठीक है, एक यहां पे ओरिजिनल का कॉलम बनाया और मैंने एक परसेंटेज अज्यूम किया. यू कैन अज्यूम इट टू बी एनी नंबर इन दिस वर्ल्ड, फाइनल आंसर्स हमारे सेम ही आएंगे. ठीक है, पहले ओरिजिनल नंबर्स बोल रहा हूं. 200 यूनिट्स कंपनी बेचता है, सेलिंग प्राइस इज 10, तो सेल्स यहां पे 2000 रुपीज का आ जाता है, लेस वेरिएबल कॉस्ट. 200 यूनिट्स एट द वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 5 रुपीज, सो देयरफॉर 1000 कंट्रीब्यूशन. यहां पे सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट गिव्स यू कंट्रीब्यूशन ऑफ रुपीज 1000. उसके बाद तुम्हारा ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट, तुम्हारे सैलरीज हो गए, ब्ला ब्ला ब्ला. ठीक है, सो ऑल दोस थिंग्स विल बी कमिंग ओवर हियर, से 600 रुपीज का. याद रखना ये फिक्स कॉस्ट है. तुम लोग जितने भी यूनिट्स बनाओ, ये वाला फिक्स कॉस्ट अगर कुछ नहीं बोला सेम ही रहने वाला है. ठीक है, उसके बाद तुम्हारा ईबीआईटी, ईबीआईटी इज अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, मेरे इस एग्जांपल के ना 400 आ जाएगा. लेट्स सबट्रैक्ट इंटरेस्ट, दैट इज आर फर्स्ट टाइप ऑफ फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट, आई अज्यूम्ड इट टू बी 100. उसके बाद ईबीटी मिल जाएगा, आई अज्यूम टैक्स रेट टू बी 30%, तो 90 रुपीज आ जाएगा. पैट जो है 210 आ जाएगा. उसके बाद दूसरा टाइप ऑफ फिक्स कॉस्ट, दैट इज योर फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट बोले तो प्रेफरेंस डिविडेंड, दैट विल अराइज इफ देयर आर प्रेफरेंस शेयर्स, अगर नहीं है तो मत लेना. फिर प्रॉफिट फॉर इक्विटी आ जाएगा. माय एम ऑफ मेकिंग द इनकम स्टेटमेंट इज टू बी रीचिंग टू द लास्ट लेवल, लास्ट लेवल बी कॉल्ड एज ईपीएस. ठीक है, तो प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स वो आ गया, डिवाइड बाय द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, सो देयरफॉर ईपीएस विल बी 1.5. सुन, अभी मैंने कुछ भी अज्यूम किया, एंड दैट इज आई अज्यूम दैट नंबर ऑफ यूनिट्स
राइज बाय 50%, ठीक है? तो आई जस्ट वॉन्ट टू बी सीन कि मेरे को रिस्क कैसे अट्रैक्ट होता है. तो अगर ये 50% से बढ़ गया तो जरा सोचो, सेल्स भी तो 50% से बढ़ जाएगा, 300 यूनिट्स इंटू सेलिंग प्राइस ऑफ 10, ये भी 50% से बढ़ जाएगा, ये भी 50% से बढ़ जाएगा. मैंने यहां पे परसेंटेज चेंज वैसे भी लिख के रखा हुआ है, ठीक है? परसेंटेज चेंज अगर कभी कंप्यूट करने का मन करे, इट इज न्यू फिगर माइनस ओल्ड फिगर डिवाइडेड बाय ओल्ड फिगर इंटू 100, ठीक है? अब जरा सोच, कॉन्ट्रीब्यूशन 50% से बढ़ा, फिक्स कॉस्ट तो सेम ही रहेगा यार. तो फिक्स कॉस्ट जो है वो तुम्हारा सेम ही रहेगा. तो ईबीआईटी के अंदर ना डिसप्रोपोर्शनेट चेंज हो जाएगा. ईबीआईटी के अंदर क्या हो जाएगा? डिसप्रोपोर्शनेट चेंज. क्यों? क्योंकि बीच में ये वाला कॉस्ट तो फिक्स ही रहा ना तेरा. बस इसी चीज की वजह से जो लेवरेज आता है, दैट इज नथिंग बट इन दिस पर्टिकुलर केस ऑपरेटिंग लेवरेज. मैं अभी तक सिर्फ यहीं पर क्लोज कर रहा हूं, ठीक है? बिकॉज आई वॉन्ट टू बी डूइंग ऑपरेटिंग लेवरेज. ऑपरेटिंग लेवरेज सारे लेवरेजेस का एक ही फॉर्मूला है, परसेंटेज चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल अपॉन परसेंटेज चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल. तो सुनो, फिक्स्ड कॉस्ट के लिए दिस इज डिपेंडेंट वेरिएबल, दिस इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल. तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन कॉन्ट्रीब्यूशन इंटू 100, ठीक है? इंटू 100 किया तो भी चलेगा, नहीं किया तो भी चलेगा. चलो 125 अपॉन 50, सो देयरफॉर दिस विल बी गिविंग यू 2.5. 2.5 मतलब 2.5:1. कई लोग उसको 250% भी बोल देंगे. अच्छा, तो एक मिनट, तुम्हारे ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? इट इज परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, सो 125% डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन कंट्रीब्यूशन, दैट इज 50. तो ये वाला चीज आ जाएगा 2.5. 2.5 मतलब 2.5:1. ये 2.5 का मतलब क्या होता है? व्हेनेवर दिस फिगर, मतलब कंट्रीब्यूशन विल राइज बाय 1%, ड्यू टू फिक्स्ड कॉस्ट योर ईबीआईटी विल बी राइजिंग बाय 2.5%. बोलते सर ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर कंट्रीब्यूशन 1% से बढ़ रहा है, आई विल अर्न ईबीआईटी टू द एक्सटेंट ऑफ 2.5%. बराबर है, लेकिन ड्रॉबैक भी तो है ना यार. ड्रॉबैक मतलब इन दिस केस, व्हेनेवर दिस थिंग विल फॉल बाय 1%, इवन ईबीआईटी विल बी फॉलिंग डाउन बाय 1%. दिस इज रिस्क फॉर यू, ठीक है? तो अगर बढ़ेगा तो बहुत कमाओगे, अगर नहीं बढ़ेगा तो बहुत ज्यादा लूज करोगे, ठीक है? मैंने नीचे एग्जैक्टली यही वाला चीज वो लिखा हुआ है. ऑपरेटिंग लेवरेज, इट इज डिफाइंड एज डिसप्रोपोर्शनेट चेंज इन ईबीआईटी विद द चेंज इन सेल्स या कॉन्ट्रीब्यूशन. इट मेजर्स बिजनेस या ऑपरेटिंग रिस्क ऑफ द कंपनी. उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन कॉन्ट्रीब्यूशन भी कर सकते हो, क्वांटिटी भी कर सकते हो, सेल्स भी कर सकते हो. अपने इस एग्जाम्पल के अंदर एवरीथिंग विल बी 50% ओनली. ये वाले परसेंटेज चेंजेस चाहे ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, सेम ही आने वाला है, ठीक है? और अच्छा, मैंने ना इस चीज का तुमको एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी निकाल के दिया था, हम लोगों ने तो डिराइव भी किया था. दैट विल बी करंट कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन करंट ईबीआईटी. यहां से भी कंप्यूट करोगे, दिस जस्ट अ शॉर्टकट फॉर्मूला. इट बी 1000 अपॉन 400 मतलब 2.5, ठीक है? अच्छा, इस चीज का मतलब आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, व्हेनेवर दिस थिंग विल बी राइजिंग बाय 1%, व्हेनेवर दिस थिंग विल राइज बाय 1%, दिस थिंग विल बी राइजिंग बाय 2.5% एंड वाइस वर्सा आल्सो. मैंने यहां पे बस एक एग्जांपल 2 के हिसाब से वो दे दिया है. व्हेनेवर सेल्स और कंट्रीब्यूशन विल बी राइजिंग बाय 1%, ईबीआईटी विल बी राइजिंग बाय 2%. इफ विल फॉल बाय 1%, देन द अदर थिंग विल बी फॉलिंग डाउन बाय 2%, ठीक है? अच्छा, तुम लोगों ने ना कॉस्टिंग के अंदर ब्रेक इवन पॉइंट करके रखा हुआ है. ब्रेक इवन पॉइंट इज फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. तो ब्रेक इवन पॉइंट भी फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से आता है, ऑपरेटिंग लेवरेज भी तुम्हारे फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से आता है. तो एक कॉमन सेंस चीज है, बोथ ऑफ देम मेजर इंपैक्ट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट ओनली, बोथ ऑफ देम मेजर ऑपरेटिंग रिस्क ओनली बेटा. सो देयरफॉर अगर कोई कंपनी का लेवरेज ज्यादा होता है, उसका ब्रेक इवन पॉइंट भी हाई ही होगा. अगर कभी ऑपरेटिंग लेवरेज कम होगा तो उसका ब्रेक इवन पॉइंट भी कम ही होगा, क्योंकि बोथ ऑफ देम आर अफेक्टेड बाय फिक्स्ड कॉस्ट ओनली, ठीक है? अच्छा, एक और चीज, नॉट मच यूजफुल, बट देन इल कनेक्ट योर दैट चैप्टर ऑफ कॉस्टिंग सीवीपी एनालिसिस विद दिस पर्टिकुलर चैप्टर. हम लोगों ने ना मार्जिन ऑफ सेफ्टी करके रखा हुआ है, दैट इज सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स. हम लोगों ने उसके बाद मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो किया था, दैट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी डिवाइडेड बाय सेल्स. ओके, क्या करते हैं, इसको और इसको दोनों को ना पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई करते हैं. इफ योर कॉस्टिंग कॉन्सेप्ट्स आर नॉट क्लियर, प्लीज रिवाइज दैट पर्टिकुलर थिंग, फिर ये वाला चीज आप लोगों को समझ में आई जाएगा. मार्जिन ऑफ सेफ्टी इनटू पीवी रेशियो, याद रखना, विल गिव यू प्रॉफिट. हम लोगों ने कॉस्टिंग के अंदर करके रखा हुआ है. प्रॉफिट मतलब ईबीआईटी, मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट. ओके, सेल्स इनटू पीवी रेशियो विल गिव यू कॉन्ट्रीब्यूशन. तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो हम लोग और कैसे कंप्यूट कर सकते हैं? इट विल बी दिस डिवाइडेड बाय दिस. मैंने वही वाला चीज यहां पे लिखा है, ईबीआईटी अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है? तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो इज ऑल्सो नथिंग बट ईबीआईटी अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन. चलो ठीक है,
हम लोगों ने अभी अभी ना ऑपरेटिंग लेवरेज का एक शॉर्टकट फॉर्मूला किया था. वो शॉर्टकट फॉर्मूला बेटा क्या था? इट वॉज कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी. देखो इधर, और अभी अभी मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो का फॉर्मूला क्या? दैट इज ईबीआईटी अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन. सो बोथ ऑफ देम आर रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर. ठीक है, तो इसलिए देखो मैंने यहां पे क्या लिखा है. देयरफॉर डीओएल डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, ये डीएफएल होना चाहिए. ठीक है, ये डीएफएल होना नहीं, ये डीओएल ही होना चाहिए. सॉरी. तो हेंस डीओएल डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय मार्जिन ऑफ सेफ्टी. बोथ ऑफ देम आर रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर. अगर नहीं समझा तो ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला इज कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी. मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो का फॉर्मूला मैंने अभी अभी बोला, इट इज नथिंग बट ईबीआईटी अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन. तो बोथ ऑफ देम आर रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर. तो अगर ऑपरेटिंग लेवरेज वो ज्यादा होगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी तुम्हारा कम हो जाएगा, ब्ला ब्ला ब्ला. ठीक है, मैंने ये वाली चीज से इधर कंक्लूड किया हुआ है क्या. इफ फिक्स्ड कॉस्ट आर हायर, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज विल बी हायर, बिजनेस रिस्क विल बी हायर, ब्रेक इवन पॉइंट विल बी हायर, एंड ऑब्वियसली मार्जिन ऑफ सेफ्टी विल बी लोअर. ठीक है, एंड वाइसा वर्सा विल ऑल्सो बी ट्रू ओवर हियर. अगर फिक्स्ड कॉस्ट कम है तो ये सब चीजें कम होगा, लेकिन मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो जो है तुम्हारा बढ़ जाएगा. ठीक है, ये हो गई मेरी सारी की सारी कहानी ऑपरेटिंग लेवरेज की. अभी फाइनेंशियल लेवरेज पर चलते हैं. ये जो व्हाइट वाला पोर्शन है ना, अभी आप लोग मत देखना, मैंने इसलिए यहां पे वो कलर स्कीम वगैरह यूज वो किया होता. अब ये जो दूसरा कलर वाला चीज है वो आप लोग देखना, सुनो मेरी बात. नाउ वी आर ट्राइंग टू स्टडी द इंपैक्ट ऑफ फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट. फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट जो होती है ना बेटा, दोज आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज इंटरेस्ट एंड वन इज योर प्रेफरेंस डिविडेंड. ठीक है, बराबर से सुनना जरा. अभी ये एक कॉस्ट, ये दूसरा कॉस्ट. ठीक है, इन दोनों को इकट्ठा देखो तो इनके लिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये हो जाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल ये हो जाएगा. तो तुम्हारा फॉर्मूला फाइनेंशियल एवरेज का क्या आ जाएगा? इट इज परसेंटेज चेंज इन दिस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन दिस. ठीक है, अभी सुनो, देखो जब अपना ईबीआईटी 400 to 900 गया बेटा, बीच में इंटरेस्ट तो सेम ही रहा. आप लोग ईबीटी निकाल लो, EBT के अंदर ऑलरेडी चेंजेस बदल गया. ये 125% था, लेकिन फिक्स कॉस्ट तो कॉन्स्टेंट ही रहेगा. तो यहां पर डिस्प्रपोर्शनल चेंज आ गया इंटरेस्ट की वजह से. आगे चलते हैं, दोनों के से टैक्स सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा, टैक्स के अंदर तो उतना ही चेंज आएगा जितना EBT के अंदर आया. उसके बाद पैट आ जाएगा, पैट के अंदर भी उतना ही चेंज आएगा, लेकिन अभी बीच में एक और फिक्स कॉस्ट भी आ जाएगा, कौन सा? प्रेफरेंस डिविडेंड. उसके बाद फिर से डिस्प्रपोर्शनल चेंज वो आ जाएगा. तो अगर इन दोनों को, इसको और इसको एक सिंगल कॉस्ट मानोगे ना, तो उसके लिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये हो जाएगा और डिपेंडेंट वेरिएबल ये हो जाएगा. तो तुम्हारा फॉर्मूला यहां पे क्या हो जाएगा? इट इज परसेंटेज चेंज इन प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी इनटू 100. ठीक है, अच्छा, प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स के अंदर जितना भी चेंज होएगा, ईपीएस के अंदर भी तुम्हारा उतना ही परसेंटेज चेंज होने वाला है, क्योंकि बोथ ऑफ देम आर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स होंगे. ठीक है, मैंने एग्जैक्टली यही वाला चीज यहां पर अभी लिख के रखा हुआ है. तो सुनो, फाइनेंशियल लेवरेज परसेंटेज चेंज इन प्रॉफिट फॉर इक्विटी या ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी. मैंने ना इसका तुम लोग को एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी बताया था, करंट ईबीआईटी डिवाइडेड बाय करंट ईबीटी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स रेट. और उसका लॉजिक क्या था? ये बिफोर टैक्स है, ये बिफोर टैक्स है, लेकिन प्रेफरेंस डिविडेंड आफ्टर टैक्स होता है, तो अपने को उसको बिफोर टैक्स के ना कन्वर्ट करना होता है. ठीक है, सुनो उसका एक बार डेफिनेशन पढ़ लेता हूं. इट इज डिफाइंड एज अ डिस्प्रोपोर्शनल चेंज इन प्रॉफिट फॉर इक्विटी या ईपीएस विद द चेंज इन ईबीआईटी. इट मेजर्स फाइनेंशियल रिस्क ऑफ अ कंपनी. ठीक है, अच्छा, मैं अगर इस एग्जांपल से आंसर निकालने का ट्राई करूं, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस 233.33 डिवाइडेड बाय 125%, दिस विल गिव यू फाइनेंशियल लेवरेज इन माई एग्जाम्पल. ठीक है, अच्छा, सपोज ऐसा फर्ज करो, कभी अगर फाइनेंशियल एवरेज 2 आया, अपने इस एग्जांपल के ना 2 नहीं आता, लेकिन अगर 2 आया तो मेरे नोट्स वो उसके हिसाब से तो वो बनाए हुए हैं. इफ डीएफएल इज 2, आई एम नॉट सेइंग इन दिस क्वेश्चन इट इज 2, बट इफ इट इज 2, इट मींस दैट व्हेनेवर ईबीआईटी विल बी राइजिंग बाय 1%, प्रॉफिट फॉर इक्विटी विल बी राइजिंग बाय 2%. या प्रॉफिट फॉर इक्विटी बोलो या ईपीएस बोलो, बात वही है. अपार्ट फ्रॉम दैट व्हेनेवर दिस थिंग फॉल बाय 1%, इवन दिस पर्टिकुलर थिंग फॉलिंग विल बी फॉलिंग डाउन बाय 2% ओनली. ठीक है, आगे रिलेशनशिप बिटवीन डीएफएल एंड एफबीपी. अभी बोथ ऑफ देम मेजर रिस्क ओनली. सुनो, एफबीपी अपने कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर आ जाएगा. ठीक है, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट वैसे क्या होता है? इट इज दैट लेवल ऑफ ईबीआईटी
एट विच कंपनी विल बी अर्निंग 0 rupees का EPS, और वो भी फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से ही आता है, ठीक है। तो अगर कभी तुम्हारा डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज ज्यादा है तो बेटा तेरा ब्रेक इवन पॉइंट, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट भी ज्यादा ही होगा। बोथ ऑफ देम मेजर रिस्क ओनली, इट्स ओनली दैट लेवरेज इज अ रेशियो, वेयर एज इन दिस केस FVP इज एब्सोल्यूट अमाउंट, ठीक है। सेम थिंग ओवर हियर ऑल्सो, ठीक है। अभी आगे चल पड़ते हैं। Combined leverage. Combined leverage in this case is basically mixture of both of them. That is, operating leverage or financial leverage ko measure karo. It measures overall risk ya total risk of the company. Theek? Interpretation. अगर कभी सपोज आई ट्राई टू बी सीइंग लाइक यू नो कि उसका फॉर्मूला वगैरह वो क्या होता है, इन सिंपल वर्ड्स इट इज दिस इनटू दिस, ठीक है। लेकिन तुम्हारा डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज का ओरिजिनल फॉर्मूला क्या होता है, इट इज परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये हो गया ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला। और DFL का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, इट इज परसेंटेज चेंज इन EPS डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन EBIT। तो दिस एंड दिस विल बी गेटिंग कैंसल्ड एज सच। तो आपका फाइनल फॉर्मूला अगर ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे विल बी परसेंटेज चेंज इन EPS डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो सपोज अगर ये वाला आंसर 2 आया तो उसका मतलब क्या है, वेन एवर दिस फिगर विल बी राइजिंग बाय 1%, दिस फिगर विल बी राइजिंग बाय 2%। मैंने वही वाला चीज यहां पे भी लिखा हुआ है, इफ कंबाइंड लेवरेज इज 2 मींस व्हेन सेल्स या कंट्रीब्यूशन, सेल्स एंड कंट्रीब्यूशन के ना परसेंटेज चेंज हमेशा सेम ही होने वाला है। इट मींस विल बी राइजिंग बाय 1%, EPS विल बी राइजिंग बाय कितना परसेंट या 2%। वेन एवर इट विल फॉल बाय 1%, EPS विल ऑल्सो बी फॉलिंग डाउन बाय 2%, ठीक। चलो दिस पार्ट इज ऑल्सो डन। अभी आगे, नाउ दिस इज वट एवर द मॉड्यूल सेज, मोस्ट ऑफ दैट थिंग इज करेक्ट। अगर एक कंपनी को एक साउंड स्ट्रक्चर चाहिए लाइक यू नो कि बिजनेस अच्छे तरीके से करे, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि ना कुछ लेवरेज का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। फर्स्ट, अगर कोई एक कंपनी है उसका DOL भी कम है और DFL भी कम है, मतलब बिजनेस रिस्क भी नहीं है, मतलब ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट भी कम है और फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट, फाइनेंशियल रिस्क भी कम है, तो ना याद रखना कंपनी कभी भी कोई भी एडवांटेज वगैरह नहीं ले पाएगा क्योंकि फिक्स कॉस्ट ही नहीं है। याद रखना फिक्स कॉस्ट का एडवांटेज भी होता है। एडवांटेज क्या होता है कि जब आपका सेल्स 1% से बढ़ेगा आपका प्रॉफिट ज्यादा परसेंट से बढ़ेगा, लेकिन अगर आपके पास फिक्स कॉस्ट ही नहीं है देन इन दैट केस आप लोग वो चीज का एडवांटेज कभी ले ही नहीं सकते। सो देयरफॉर अ कंपनी हैविंग लो DOL एंड DFL विल मीन कंपनी विल हैव टोटल लोअर रिस्क। यार ना लोअर रिस्क लीड्स टू लोअर रिटर्न्स ऑल्सो ऑलवेज। हम लोगों ने फर्स्ट बेसिक्स फंडास के अंदर भी किया, रिस्क एंड रिटर्न्स आर प्रोपोर्शनेट टू इच अदर। द कंपनी विल नॉट बी एबल टू टेक द एडवांटेज ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, मतलब अगर यहां पर रिस्क नहीं है ना तो शेयर होल्डर ज्यादा पैसा कभी भी नहीं कमा पाएगा क्योंकि यहां पर आप लोगों ने डेट और प्रेफरेंस शेयर्स वगैरह सब कुछ यूज ही नहीं किया। आगे, अगर कंपनी का ये और ये दोनों ज्यादा है तो देन वी ट्राई टू बी सीन कि कंपनी का रिस्क जो है ना वो बहुत ज्यादा है, ये शायद एक रिस्की कॉम्बिनेशन हो जाए, ठीक है। उसके बाद कंपनी हैविंग हाई DOL एंड लो DFL, हाई DOL मतलब ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट ज्यादा है लेकिन लो DFL मतलब तुम्हारा इंटरेस्ट और प्रेफरेंस डिविडेंड कम है, दैट मीन्स कंपनी विल हैव समवेयर अ मिडल रिस्क, अ मॉडरेट रिस्क। दिस इज अ रिस्की कॉम्बिनेशन एज फार एज अ बिजनेस गोज, क्योंकि क्या है बिजनेस के अंदर चीजें ऊपर नीचे वो जाता है ना, एट दैट टाइम योर EBIT विल गेट अफेक्टेड टू अ ग्रेट एक्सटेंट। वी ऑलवेज से दिस पर्टिकुलर थिंग, ये वाला आई एम नॉट सेइंग कि ये वाला हमेशा कम ही होना चाहिए, नहीं, बट वी आर जस्ट ट्राइंग टू बी सेइंग द इम्प्लीकेशन ऑफ इट कि अगर तुम्हारा ये बहुत ज्यादा है लेकिन ये बहुत कम है ना, तो इन दैट केस यहां पर क्या हो जाता है अपना बिजनेस रिस्की बहुत ज्यादा वो बन जाता है। तो अगर बिजनेस के अंदर कभी भी कुछ वो उतार चढ़ाव आया, सपोज इफ योर सेल्स फॉल बाय 10% एंड इफ योर ऑपरेटिंग लेवरेज इज वेरी हाई, बेटा योर EBIT विल बी फॉलिंग डाउन बाय अ ग्रेटर परसेंटेज, तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा जो EPS वगैरह है ना विल स्टार्ट टू गेट अफेक्टेड टू अ ग्रेट एक्सटेंट। एंड सेम वे यहां पर वी ट्राई टू बी सीइंग एज पर द इंस्टीट्यूट दिस माइट बी द बेस्ट कॉम्बिनेशन। हर एक कंपनी का DOL जो है कम होना चाहिए और DFL जो है वो ज्यादा होना चाहिए, तो बिजनेस के अंदर जो वो लोग कमा रहे हैं उसके अंदर रिस्क कम है लेकिन डेट और प्रेफरेंस शेयर्स वगैरह काफी है। अगर ऐसा होएगा तो तुम्हारे इक्विटी शेयर होल्डर्स विल बी बेनिफिटेड अ लॉट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिबेंचर्स एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। मैंने वो बेसिक कंसेप्ट के अंदर भी बताया था कि अगर डेट और प्रेफरेंस शेयर्स होता है ना उनका कॉस्ट कम होता है,
तो शेयर होल्डर्स के पास जो पैसा बच जाता है ना, मतलब प्रॉफिट फॉर इक्विटी विल ऑलवेज बी हायर. तो एज पर द इंस्टीट्यूट दिस काइंड ऑफ अ कॉम्बिनेशन शुड बी गुड फॉर एवरी कंपनी. ओके, दिस वॉज योर रीकैप ऑफ एंटायर लेवरेज, दैट इज वॉट एवर यू हैड टू बी नोइंग एज सच. ओके, एफ एम इज अ सब्जेक्ट विच इज क्लोजेस्ट टू द रियल वर्ल्ड. Whenever you will clear your final CA, these things are basic things जो आप लोग को मालूम होना चाहिए. Your foundation is getting built up with the help of these chapters only. Okay, I'll see you next time with the recap of capital structure. See you all, bye.